हेलो एवरीवन माय सेल्फ नील एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस स्टेप्स के थ्रू आप अपने स्मार्ट एसी को अपने मोबाइल एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन के में ईजी कनेक्ट कर सकते हो ईजली ऑनबोर्ड कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा कि छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू किस तरह से काफ़ी ईजिली आप अपने स्मार्ट ए को ऑनबोड कर सकते हो तो आज सबसे पहले हम बात कर ले जब हम अपने स्मार्ट ए को अपने मोबाइल ऐप से ऑनबोर्ड करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे हमारा ए जो है वो ऑन होना चाहिए यानी वो ऑन मोड में होना चाहिए पावर ऑन होना चाहिए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके काफ़ी इजीली अपने ए को कनेक्ट कर सकते हो तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको अपने मोबाइल पे मेरा यह एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को रजिस्टर करना होगा इसके बाद हम लोग आते हैं कनेक्टिविटी प्रोसेस में तो सबसे पहले हमें अपने घर के वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट करना होगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपना वाईफाई ऑन कर दिया है और अभी मेरा फ़ोन जो है हमारे होम नेटवर्क पे कनेक्ट भी हो गया है so, सो सबसे पहले हम अपने मेरा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे सो so, ओपन करने के बाद ये हमारा जो होम पेज होगा एप्लीकेशन का वो आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिख रहा होगा तो हम इस प्लस वाले यानी ऐड करने वाले डिवाइस पे जाके टच करेंगे सो फर्स्ट टच करने के बाद यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे अलग अलग आई टू डिवाइस के ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसा कि अभी हम ए को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो हम ए को सेलेक्ट कर लेंगे सो so, कर सेलेक्ट करने के बाद हमसे ये कुछ परमिशंस मांगता है तो यहाँ पे हम ऐड डिवाइस पे जाएंगे एंड से टच करेंगे ऐड डिवाइस टच करने के बाद हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आता है हमारे एप्लीकेशन में अगेन हम इस कंटिन्यू से इसे कंटिन्यू करते हैं तो जैसा भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई डिवाइस फाउंड नहीं हो रहा है वो इसलिए कि इसे कनेक्ट करने से पहले हमें अपने ए को वाईफाई सेटअप मोड में डालना होता है तो इजी जो रिमोट है आपके पास वहाँ पे आप देखोगे एक स्मार्ट बटन का एक की आपको मिलता है जिसे लॉन्ग टाइम यानी करीब पाँच से सात सेकेंड तक आपको कंटिन्यूसली प्रेस करना पड़ता है तो आप देखोगे जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो यहाँ पे यह ए सी सेटअप मोड में आ जाता है सो so अगेन जब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ उस नेटवर्क को तो यहाँ पे आपको पानासनिक ए सी देखने को मिल जाएगा जो ए सी हमें दिख रहा है हम उसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन आगे के प्रोसेस के लिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सो so आप लोग देख रहे हो हमसे ये सेलेक्टेड वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कहता है और जैसे हम उसे कनेक्ट करते हैं इसके बाद हमारा जो मेरा ऐप है वो सेटअप मोड में चला जाता है यानी डिवाइस के साथ ये सेटअप के प्रोसेस पे काम करता है सो वन बाय वन ये सारे अपने ऑथेंटिकेशन को चेक करता है एंड जब फाइनली ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये कन्फर्म कर देता है कि आपका जो डिवाइस है वो मेरा से कनेक्टेड हो चुका है सो so, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो so, हम लोग वेट करेंगे जब तक ये पूरा फाइनली प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है सो so, फाइनल कम्प्लीट होने के बाद आप देखोगे डिवाइस सेटअप कम्प्लीटेड हमारे पास ये इंडिकेशन देता है हमारा मोबाइल ऐप एंड इसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्टली डैशबोर्ड में सो so, आप जैसे ही डैशबोर्ड में जाते हो आपको यहाँ पे अपने मिराई ऐप में आपका जो एसी है वो ऑनबोर्ड होता हुआ दिख जाता है ऑन बोर्ड जो कम्प्लीटेड हो चुका है सो आज की इस वीडियो में आपने देखा किस स्टेप्स के थ्रू हम इजिली अपने ए को अपने मिराई एप से कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मिराई एप्स के बेनिफिट के बारे में थैंक यू